मुझे अली जफर भी आके कहता तो मैंने हानि करनी थी। इसलिए क्योंकि उससे तुम्हें कहना ही नहीं था। ऐसी भी कोई बात नहीं है। मेरे अब्बू कहते हैं कि बचपन में जिस नाई से मैं बाल कटवाता था ना, उसी से अली जफर भी कटवाया करता था। तो कटवाया करता था। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम रात को जैम करोगे या नहीं। आपके कहने पर तो मैं बकरा भी कर लूं, जैम तो फिर बड़ा छोटा सा होता है। थैंक यू। इट्स ओके, ये सब तो मेरा फर्ज था। आखिर मुश्किल वक्त में अपने ही तो काम आते हैं पगले। सक जाते यार, मेरी लाइफ में आपको चलाया था, मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है। A rose for a rose? पहले तो तुम बड़ा शीरीन को दे रहे थे। यार वो तो एक बुके था और यूजुअली बुके हमेशा मरीजों को दिया जाता है, आप जैसे लोगों के लिए तो एक फूल ही काफी। थैंक्स स्वीट। चीनी ज्यादा हो गई थी। फनी। क्या करूं यार, बस कंट्रोल ही नहीं होता। अच्छा तो क्लासेस कैसी जा रही हैं? लिबर्टी तक पहुंच चुकी हैं, आगे जाएंगी तो बता दूंगा। वैसे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी फैसल कुरैशी टाइप है। विजय फैसल कुरैशी? हाँ। मेरा उसकी तरह का नहीं, उसका मेरी तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है। मतलब वो तो बचपन से मेरी कॉपी कर रहा है यार। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बचपन का तुम्हारा दोस्त है। मतलब डोंट टेल मी यू डोंट नो। नो व्हाट? वो तो मेरे स्कूल में मेरे साथ था यार। शट राइट। सीरियसली? बल्कि मेरे तो मोहल्ले में भी वो रहता था। Really? यार यकीन नहीं आता, तो एक सेकंड मैं आपको उस फोन बुक में उसका नंबर भी दिखाता हूँ। अब ये रहा, ये फैसल कुरैशी पान वाला। पान बहुत खाता है इसलिए उसका नाम पान वाला रख दिया, मुन्ना बेचारा। वैसे आई एम अ रियली बिग फैन। क्यों? हम तो मोहल्ले में कभी उसको मुंह भी नहीं लगाते थे। Really? हाँ, मतलब छोड़ो यार, क्या बोलूँ मैं अब, तुम बात में यकीन ही नहीं करोगे। क्या ऐसे किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। प्लीज बताओ ना। तुमने वो प्ले देखा है 3x3? हाँ, आई शुड लव इट। किसने लिखा? किसने? नो वे। सीरियसली? मैंने कहा था ना तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। दैट्स अनबिलीवेबल। अभी तो इसको छोड़ो और ये सुनो, उसकी एक एल्बम थी जो मेरे पास बिल्कुल अनरिलीज पड़ी हुई है, गानों की। और गाने? हाँ, बहुत वानाबी शहजाद रॉय टाइप था। शहजाद रॉय? हाँ, वो तो सुर का पक्का था, इस वजह से वो एल्बम रिलीज नहीं कर सका। यू सी, यू कम, यू कॉन्कर, कम ऑन। सलू, अरे क्या हो गया, सांस तो ले ले, पहले मरना चाहिए, क्या हुआ है बोल। ऐसा काम करके आ रहा हूँ कि तू मुझे खुशी के मारे गले लगा लेगा। ऐसा कौन सा काम कर दिया मेरे भाई ने? अरे वो शेरिन मेरे पास आई थी और वो पूछ रही थी कि मैं विक्की को जानता हूँ कि नहीं। अरे बट तूने भी बता तो नहीं दिया उसको। अरे कहाँ ना। अरे बट तूने मरवा दिया। अरे सुन तो ले, क्या? मैंने उसे साफ कह दिया कि हम विक्की जैसे चिपस्टर को नहीं जानते। गुड, ये चीज। हाँ, और उसे मैंने कहा कि विक्की, उसके सामने विक्की की मैंने ऐसी बातें की कि उसको मैंने बहुत बड़ा विलन साबित कर दिया। मतलब ये कि मैंने उसे कहा कि जो विक्की है ना, इससे पहले इस्लामाबाद में एक बदमाश था, उसने अपने प्रिंसिपल की गाड़ी के टायर फाड़ दिए, चोरियां की, जेल गया और पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने। बट मतलब कि तूने शीरिन के सामने विक्की को एक मुकम्मल बैड बॉय साबित कर दिया। बट तूने हमें मरवा दिया। क्यों? इसलिए कि शीरिन को बैड बॉयज ही पसंद है। आगो। सर प्लीज मैं। जी सर जी मैं। ओके सर। क्या हुआ सर? समझ नहीं आ रही है, फरिया परवेज भी बिजी है। ओहो, तमिलनाडु के शो में जा रही है वो। अब किस सेलिब्रिटी को बुलाऊं मैं? सर अहमद अली बाट को बुला ले, वो भी हर चैनल पे छाया हुआ, पता नहीं रमजान में 50% डिस्काउंट पे करना क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। ओह माय गॉड। सलमान, मैं तुम्हें को ढूंढ रही थी। मैं भी। मुझे उनसे एक बात करनी थी। मुझे भी। पहले मैं। पहले तुम? मेरा मतलब है पहले मैं। No, me first. Okay. Do you remember how after Baki left, I was talking to you about how I don't have a bad boy in my life? Yeah. Well, guess what? What? I found a perfect bad boy. Oh, really? Yeah. Mean, rich, spoiled. Oh, he's a total bad boy. Oh, really? Achha. Aap naam nahi puchoge? Oh, haan, waqai. Kya naam hai Vicky ka? His name's Vicky. Oh, Vicky, mar gaya.